आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे, और अगर आप लोग हमारे देश की पत्रकारों के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते होंगे तब आप इनके बारे में जानते भी होंगे। ये है हमारे देश की फायर ब्रिगेड पत्रकार बरखा दत्त, और आप देखिए इनके इंटरव्यू कई बार चर्चा में भी रहे और इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी विवादों में घिरी रहे हैं, और कई विवादों से जुड़ी नाता भी इनका रहा है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बरखा दत्त के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे। और याद रखिए, पत्रकारों की सीरीज चल रही है, सभी पत्रकारों को कवर किया जाएगा। अगर आपके मन में भी किसी पत्रकार का नाम है तो आप उसे बताइए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये सभी क्लासें आपको बायोग्राफी या जीवनी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें मिल जाएगी। अभी तक आपने देखा है हम लोग रवीश कुमार के बारे में भी बात कर चुके हैं, या फिर अभिनव शर्मा के बारे में भी बात कर चुके हैं। इस तरह के जो भी पत्रकार हैं सभी के बारे में बात करेंगे और करते रहेंगे आगे, ठीक है? तो बरखा दत्त की फोटो आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिख ही रही होगी, ये है बरखा दत्त। और इनके अगर हम लोग नाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं बरखा दत्त इनका नाम है, और इनका जन्म होता है 18 दिसंबर 1971 को। और याद रखिए 1971 वही तारीख है, वही सन है जब आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और एक नया देश उभर के आता है इस युद्ध के बाद, वो था बांग्लादेश। और आप कहते हैं ना कि महिलाएं कमजोर होती हैं, अब आप लोग इंदिरा गांधी को देख लीजिए, पाकिस्तान ने उनसे पंगा लिया, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में एक ही प्रधानमंत्री अभी तक महिला हुई है, और वो किस तरह से उनका कामकाज रहा है आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और अगर 1975 से 77 का समय छोड़ दें, राष्ट्रीय आपातकाल का, तो उनके सभी काम लगभग अच्छे ही रहे हैं। अगर हम लोग बरखा दत्त के जन्म स्थान की बात करें कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो नई दिल्ली में इनका जन्म होता है। और आपको बता दूं कि हिंदू परिवार से है, इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन ये अपने आप को अग्रेयवादी कहती हैं, यानी कि नास्तिक। तो आप लोगों ने सुना होगा जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है लेकिन भगवान के अस्तित्व को कभी कभी मानने लगता है, लेकिन अज्ञेयवादी ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को ना तो मानते हैं और ना ही वो कहते हैं कि ना ही इस धरती पर भगवान है और ना ही सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान है, ठीक है? और इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो एसपी दत्त इनके पिता और एयर इंडिया के अधिकारी रहे हैं, और माता की बात करें तो प्रभा दत्त जो पत्रकार रही हैं। और पति की अगर हम लोग बात करें तो मीर तलाक, मीर इनका पहला पति था, इन पहली शादी, दो शादियां हुई थी इनकी, तो मीर से कुछ समय के बाद इनका तलाक हो जाता है। डॉक्टर हसीब ड्रावू, ये भी कुछ समय तक इनके साथ रिलेशनशिप में रहती है, शादी के बाद इनसे भी तलाक हो जाता है। तो बरखा दत्त ने दो शादियां की हुई थी, ठीक है? अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें बरखा दत्त की, तो स्टीफन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने डिग्री ली हुई थी, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशंस में मास्टर डिग्री इन्होंने ली हुई थी। फिर इसके बाद ये न्यूयॉर्क चली जाती है और कोलंबिया विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के क्षेत्र में स्नातक की डिग्री लेती है। तो आप कह सकते हैं कि काफी पढ़ी लिखी है, देश विदेश में पढ़ी लिखी है। अगर हम लोग पत्रकारिता के सफर की बात करें इनके, और इनके पत्रकारिता के सफर के कारण ही हम लोग इनके बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं, तो बरखा दत्त अपने करियर की शुरुआत एनडीटीवी से करते हैं। और आपको बता दूं एनडीटीवी की स्थापना 1988 में हुई थी, बहुत पुराना चैनल है। और बरखा दत्त लगभग 21 सालों तक एनडीटीवी में काम करती रहती हैं, और बरखा दत्त ने जब एनडीटीवी में काम करना शुरू किया था तब उनकी उम्र 21 वर्ष थी। और बरखा दत्त को पहली बार प्रसिद्धि मिली इस साल 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, और इस दौरान बरखा दत्त ने कैप्टन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू लिया था और जो काफी लोकप्रिय भी हुआ था। और इसके बाद आप देखेंगे कि बरखा दत्त की ऊंचाइयां बढ़ने लगी थी और वो चर्चा में आने लगी थी। और उस समय आपको बता दूं कि बरखा दत्त ने अपने करियर में साल 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, आप सभी जानते हैं कि 2002 में गुजरात में जो दंगे हुए थे उस समय प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी साहब देखते ना, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आप सभी जानते हैं कि 2004 में हमारे देश में भूकंप और सुनामी आई थी, और 2008 में आप सभी ने जानते हैं कि मुंबई में आतंकी हमला हुआ था,
और इस तरह की कई रिपोर्टिंग भी की हुई थी। किसने? बरखा दत्त ने इन सबको कवर किया हुआ था। और बरखा दत्त सन 2016-17 में एनडीटीवी से लीव ले लेती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं उसे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि बरखा दत्त, आप सभी को मालूम होना चाहिए, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लिए कॉलम भी लिखती थी। और इसके बाद बरखा दत्त तिरंगा टीवी में बतौर टीवी एंकर और परामर्श संपादक के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि बाद में तिरंगा टीवी मालिकों कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी प्रोमिला सिब्बल ने बरखा दत्त को अनुशासनात्मक आधार पर बर्खास्त कर दिया था। और इस मामले के बाद बरखा ने चैनल के मालिक कपिल सिब्बल और उनकी पत्नी पर कर्मचारियों के वेतन रोकने और बिना नोटिस के हटाने का आरोप भी लगाया था। और याद रखिए, आज के समय में किसी न्यूज चैनल में टिका रहना बड़ा संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, या तो आपको उनके में हाँ मिलाना होगा। अब आप सोचिए कि आप किसी सत्ता पक्ष का, जो सत्ता पक्ष का पक्षधार है, जो टीवी चैनल, उसमें अगर आप लोग रहते हैं तो आपको सरकार का पक्ष रखना होगा, सरकार का पक्ष लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको टीवी चैनल से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे एनडीटीवी से अलग होने के बाद बरखा दत्त ने शेखर गुप्ता के साथ मिलकर द फ्रेंड नाम से एक नया मीडिया वेंचर शुरू किया था, लेकिन यहां भी बरखा दत्त की नहीं बनती है और वो उसे छोड़ देती है। अब आपको इनकी शादी को लेकर भी काफी विवाद में रही है, आप सभी जानते हैं। तो बरखा दत्त के पति की बात करें तो बरखा दत्त ने 2 बार शादी की है, और बरखा दत्त के पहले पति का नाम मीर था और वह एक कश्मीरी मुस्लिम थे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि दोनों की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली और शादी के 6 महीने के बाद ही बरखा दत्त और मीर का तलाक हो जाता है। फिर बरखा दत्त दूसरी शादी करती हैं डॉक्टर हसीफ ड्राबू से, और वह भी एक कश्मीरी मुस्लिम ही थे। और डॉक्टर हसीफ ड्राबू जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष थे, लेकिन इनकी शादी नहीं चलती है और इनसे भी तलाक हो जाता है। किसका? बरखा दत्त का। अब देखिए, बरखा दत्त से जुड़े कुछ विवाद भी हैं और इसके कारण ये चर्चा में भी काफी रही और इनकी आलोचना भी काफी की गई है। तो साल 2002 में, आपको बता दूं, जो गुजरात के दंगे हुए थे, इसमें रिपोर्टिंग के दौरान बरखा दत्त ने प्रेस परिषद के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पीड़ितों की पहचान हिंदू मुस्लिम के रूप में की थी। और इसके बाद आप देखिए कि इन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। फिर आप देखेंगे साल 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, इस दौरान बरखा दत्त सहित कई पत्रकारों पर लापरवाही के साथ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगा था, और आरोप था कि उनकी लाइव रिपोर्टिंग के कारण आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के बारे में जानकारी मिल रही थी। तो इस कारण भी आप देखिए कि इनकी आलोचना काफी की गई थी और उस समय भी ये चर्चा में काफी रही थी। साल 2010 में आप सभी जानते हैं कि 2G घोटाले में राडिया टैप विवाद के दौरान बरखा दत्त की नीरा राडिया के साथ बातचीत लीक हो गई थी और वह राडिया टैप विवाद का चेहरा बन गई थी। हालांकि बरखा दत्त ने बाद में इसमें माफी भी मांग ली थी। तो इस समय भी ये काफी चर्चा में रही थी। और एक पत्रकार होती है वो मुखर वामपंथी समर्थक भी रही है, कौन? बरखा दत्त। और साल 2011 में नीरा राडिया टैप कांड में बरखा दत्त का नाम सामने आया था और इस मामले में उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने नीरा राडिया के सारों पर मंत्रालयों की बंटवारे को लेकर कांग्रेस और डीएमके के बीच संदेश वाहक का काम किया था, और इससे बरखा दत्त का कांग्रेस की तरफ झुकाव सभी के सामने आ गया था। और आप सभी जानते हैं कि आजकल के पत्रकारों को आप भी देख लीजिए, कोई सत्ता पक्ष की साथ मिला हुआ है, कोई सत्ता पक्ष के विपक्ष में है। और मुझे लगता है कि आज जो पत्रकारिता हो रही है इससे जनता कंफ्यूज है, जनता को यही मालूम नहीं चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि एक पक्ष बताएगा कि गलत, कोई भी नियम आता है, कोई कानून आता है, तो उसमें आप देखिए कृषि कानूनों को आप लोग ले लीजिए, सत्ता पक्ष का जो मीडिया था आपने देखा है वो हजार उसकी फायदे बता रहा था, और जो विपक्ष का मीडिया था, जो सत्ता पक्ष के बाहर है, जो वो मीडिया उसकी ये नुकसान ही नुकसान बताता जा रहा था। तो आप देखिए किसान भी कंफ्यूज थे कि इसमें आखिर अच्छाई क्या है, गलत क्या है, ठीक। एक बार और ये विवाद में रही थी बरखा दत्त, कारगिल युद्ध के दौरान अपनी रिपोर्टिंग के लिए विवादों में रही थी और उस समय उन पर इरिडियम सैटेलाइट फोन प्रयोग करने का आरोप लगा था, और तथा उन क्षेत्रों की लाइव रिपोर्टिंग भी की थी जहां उनकी रिपोर्टिंग के ठीक बाद पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया था। तो इसके बाद भी आप देखिए इनकी काफी आलोचना भी की गई थी। और ये कहानी है बरखा दत्त की,
और भी बताइए कोई पत्रकार हो तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए।